नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ मनसा देवी के मार्ग में, जो सीढ़ी से जाने वाला मार्ग है उसमें खड़ा हूँ। और मैंने अभी यहाँ रास्ते में कुछ विशेष देखा। हमारे सामने एक फोटोग्राफर भाई साहब हैं, मैं इनसे मिलना चाहूँ। क्या नाम है आपका? शिवशंकर। शिवशंकर, साक्षात आप शिवशंकर फोटोग्राफर बन के यहाँ आ गए। ये आप अनाउंस कर रहे हैं, एक मिनट में फोटो दे देते हैं। एक मिनट में फोटो दे देते हैं। ये क्या मशीन क्या लगी हुई है? अरे प्रिंटर है भाई साहब। प्रिंटर है? अच्छा अच्छा, प्रिंटर। अच्छा, लेकिन यहाँ लाइट तो है नहीं, कैसे बना देते हैं? सोलर से चलाते हैं भाई साहब। सोलर सिस्टम है सामने, वो प्लेट रखी है। अच्छा, वो देख सामने, बहुत बढ़िया। ये सोलर प्लेट लिया हुआ है और ये तार आ रही है सामने, और ये इधर से आपने सिस्टम लगा रखा है, और पेटीएम वगैरह सारा जुगाड़ लेगा, फ्रेम वगैरह लगा रखा सबने। भाई साहब, हम बास करने के लिए यहाँ रह रहे हैं, खाली हरिद्वार बास करना चाहता हूँ, बस मेरा मेन उद्देश्य यही है। हरिद्वार आ गए जी? बस जी, बस जब मतलब साधु संत बन नहीं पाए लेकिन फोटोग्राफर बन के यहाँ। बस बस बस, बहुत ही अच्छा। तो एक मिनट में फोटो देते। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? हम लखीमपुर के रहने वाले। लखीमपुर खीरी? जी जी। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है सारा, की सोलर प्लेट से और प्रिंटर से एक मिनट में फोटो। और कैमरा कौन से नंबर का लिया हुआ? 3200 D3200 निकॉन। निकॉन। अच्छा, फ्लैश कौन सी है? फ्लैश यही है जो भी चलाते हैं। हाँ, वीवीटार है, वीवीटार लग रहा है ना? जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल भाई साहब, ऐसे ही आप लगे रहे हरिद्वार में, शिव जी की शरण में, गंगा माँ के, गंगा का माँ की गोद में बैठे रहे, माँ की गोदी में बैठे रहे, बस यही सबसे बड़ी सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने किस प्रकार एक सोलर प्लेट लगाकर, एक छोटा सा प्रिंटर लगाकर, और एटीएम की मशीन भी ले रखी है इन्होंने, और कैमरा लेके बकायदा पूरा काम यहीं कर रहे हैं। और इन भाई साहब का कहना है कि हरिद्वार आके रहना चाहते थे, ज़िंदगी में समय यहाँ काटना चाहते थे, इसलिए आ गए हैं। साधु संत नहीं बन पाते थे, इसलिए इन्होंने फोटोग्राफर बन के यहाँ पर शिव जी के चरण में और गंगा माँ की गोद में जीवन व्यतीत करने का जो एक नया तरीका निकाला है, ये लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत ही अच्छा तरीका है। क्योंकि मांग के खाना अच्छी बात नहीं है, करके खाते रहें, जब तक जिंदा रहे, शरीर चलता रहे, ऐसे ही होना चाहिए। और हमें भी लगता है कि ये सही तरीका है। मैं आपसे फिर मिलूँगा, फिर किसी दूसरी ऐसी ही रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।